आज बात करेंगे हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री और रेवाड़ी अहिर राजवंश के स्वर्गीय राजा साहिब राव बीरेंद्र सिंह जी के बारे में। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अठारह की क्रांति के महानायक भगवान श्री कृष्ण जी के पीढ़ी के अहिरवाल नरेश महाराजा राव तुलाराम सिंह बहादुर के वंशज राजा साहिब राव बीरेंद्र सिंह का जन्म 20 फरवरी 1921 रेवाड़ी अहिर राजवंश के राजा राव बलवीर सिंह जी के यहाँ हुआ। शेर ए हरियाणा के नाम से विख्यात स्वर्गीय राजा राव बीरेंद्र सिंह जी हरियाणा राज्य के द्वितीय मुख्यमंत्री थे। इनका विवाह रानी चंद्रप्रभा कंवर के संग सम्पन्न हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के उराव यादव स्टेट के स्वर्गीय राजा ठाकुर साहिब लायक सिंह यादव जी की पुत्री थी। अपने पूर्व यदुकुल शिरोमणि राव तुलाराम जी की तरह ही बाल अवस्था में ही राजा साहिब राव बीरेंद्र सिंह जी रेवाड़ी के राजा बने और अपनी बहन राजकुमारी सुमित्रा देवी जी की देखरेख में अपनी प्रजा की सेवा में लग गए। रेवाड़ी की जनता भी राव साहब से बहुत प्यार करती थी। जो भी राव साहब के यहाँ मदद मांगने जाता खाली हाथ कभी नहीं लौटता था। राव साहब ने पूरे पंजाब और हरियाणा सूबे में अहिरवाल की धाक और साख कायम की थी। रेवाड़ी के राजा राव बीरेंद्र सिंह जी का जो रुपया रहा है उसका इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी आवाज पूरे रामपुरा हाउस में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और कोरियन के मंत्री जैसे बड़ी बड़ी हस्ती इनसे मिलने जाती थी। जब ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तब पंजाब सूबे के सभी मुख्य समाचार पत्रों में फ्रंट पेज पर ये हेडलाइन छपी, राव आया भाव आया। ता उम्र ये यदवंशी के प्रति संप्रति रहे अपने स्वर्गीय पिताश्री और रेवाड़ी के भूतपूर्व राजा बलवीर सिंह जी बहादुर की तरह संसद में वर्षों पुरानी मांग अहिर रेजिमेंट के निर्माण के लिए सर्वप्रथम आवाज बुलंद की थी। राव बीरेंद्र सिंह जी के 3 पुत्र हुए जिनका नाम राव इंद्रजीत सिंह, राव यादवेंद्र सिंह, राव अजीत सिंह है। राव बीरेंद्र सिंह जी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राव इंद्रजीत सिंह ने राव साहब की याद में शाही छतरी का निर्माण करवाया था। सत सत नमन है भारत के इस वीर सपूत को। जय यदवंशी, जय हिंद, जय भारत। सभी भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।